वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। आज मैं आपको बताऊंगी आलू बैंगन की तरी वाली और मस्त मस्त बनने वाली सब्जी। ये देखिए, मैंने आज आलू बैंगन की मस्त सब्जी बनाई है, तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू बैंगन खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये हमें एनर्जी देता है और साथ में बैंगन हमें आयरन देता है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया है, अब हम इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो अब मैं इसके अंदर जीरा और अजवाइन ऐड कर रही हूँ, जो थोड़ी देर में चटक जाएगा अच्छे से। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, और मैं एक तरफ अपना मसाला रेडी करती हूँ। देखिए, हमारा तेल बहुत तेज गर्म हो रहा है। अब मैंने ये मसाला रेडी कर लिया। मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सबको एक साथ कट करके और ग्राइंडर में पीस लिया है। अब मैंने इसके अंदर ये सारी मिक्सचर को इसमें डाल दिया और देखिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैंने जो तेल था उसको ठंडा कर लिया। पहले क्या होता था कि जैसे मैं तेल को एकदम गरम गरम में ही ये सारे मसाले डाल देती थी, तो फट से तेल बाहर दीवारें वगैरह खराब हो जाती थी। तो मैंने इसको ठंडा करके ही इसमें ऐड किया है। देखिए, अब ये पकने लगा है धीरे धीरे। अब मैं इसमें अपने मसाले वगैरह ऐड कर लूंगी। थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही पकने दूंगी। ये देखिए, मैंने रेड चिली थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, मस्त लगती है, थोड़ी तीखी होती है। तो इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। एक्चुअल में इसमें लाल मिर्च आपने यूज़ की है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा कि आपने हरी मिर्च भी इसमें डाली है तो लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा, नहीं तो सब्जी ओवर तीखी हो जाएगी और वो बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो चलिए, मैं इन मसालों को अच्छे से पका लूंगी, जब तक कि ये सारे मसालों का जो कच्चा कच्ची खुशबू है वो ना पक जाए, वो खत्म ना हो जाए, या फिर हमारा मसाला तेल ना मसाले से तेल अलग ना हो जाए। तो मैंने इसे ढक दिया है और इसे अच्छे से पकाया है। कुछ देर बाद मैंने देखा तो देखिए, हमारा मसाला धीरे धीरे भुनने लग गया है, उसमें से तेल अलग होने लगा है, लेकिन अभी भी मैं इसे और पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। इस प्रकार से मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी ढक के। ढकने से एक फायदा होता है कि आपका मसाला छटक के बाहर नहीं आता। और ये एक साइड में मैंने आलू को अच्छे से कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। आप जो भी आपके लंबे टुकड़े करने चाहें तो लंबे कर सकते हैं, छोटे करना चाहें तो छोटे कर सकते हैं। देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है, इसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा खत्म हो चुका, जल चुका है। तो चलिए, देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी ग्रेवी का। अब मैं इसके अंदर हमारे कटे हुए आलू ऐड करूंगी। आलू पहले इसलिए क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा और बैंगन को पकने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसमें मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। देखिए, हमारे सारा मसाला आलू के अंदर कोट हो चुका है और मैं थोड़ी देर इसे ऐसे ही पकाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें बैंगन ऐड करूंगी। अभी थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हमारे बैंगन थोड़े थोड़े पक चुके हैं, आधे आधे से कच्चे हैं, आधे पके हैं, तो इस स्टेज पे मैं इसमें बैंगन ऐड करूंगी। अगर आपको बैंगन बहुत ज़्यादा पके हुए अच्छे लगते हैं तो आप दोनों चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और देखिए, मैंने सारे बैंगन इसमें ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस स्टेज पे अभी पानी नहीं डालेगा, क्योंकि अगर मसाले जब तक बैंगन के, आलू के अच्छे से नहीं चिपक जाएंगे तब तक वो उसके अंदर नहीं जाएगा। इस स्टेज पे अगर मैं पानी डाल दूंगी तो वो बैंगन पानी में ही तैरते रहेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ी देर में इसे ऐसे ही ढक के पकाऊंगी। अगर आपको सूखी वाली आलू बैंगन खानी है तो आप इसमें पानी ऐड मत कीजिए, इसी तरीके से बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो मैंने जिसमें प्यूरी पीसी थी वही पानी मैंने इसमें डाल दिया, तो ये बहुत अच्छी लग रही है हमारी आलू बैंगन की सब्जी। और देखिए, अब हमें आलू को और बैंगन को दोनों को एक साथ पकने तक ढककर पकाना है। तो अभी हमारी बैंगन आलू धीरे धीरे पक रहे हैं। सारी सब्जियां हम लोगों को खानी चाहिए। कुछ लोग बैंगन नहीं खाते, कुछ लोग करेले नहीं खाते, कुछ लोग लौकी तुरई नहीं खाते, लेकिन फ्रेंड्स, सब सब्जियां खाइए, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और आलू बैंगन, मतलब आलू
तो नहीं, लेकिन बैंगन बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें आयरन होता है। अगर आप बैंगन को कढ़ाई में बनाते हैं तो आप उसको जल्दी से कढ़ाई से निकाल लीजिए, क्योंकि काली कढ़ाई में वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो चलिए, हमारे बैंगन रेडी हैं, आप इसे खाइए, बनाइए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।